विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थी काफ़ी परेशान थे कि विद्या ज्ञान स्कूल के ऑफलाइन फॉर्म कब आएंगे। हमने आपको बहुत पहले ही बता दिया था कि ऑफलाइन फॉर्म आपको 16 दिसंबर से अवेलेबल होंगे। हुआ भी वही, 15 दिसंबर की आधी रात को जो है विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा के फॉर्म आप लोगों के सामने आ गए। फॉर्म आए लेकिन ये काफ़ी बदलाव लेकर के आए हैं, तो आइए इन सब की चर्चा हम बारी बारी से कर लेते हैं। सबसे पहली बात कि 16 दिसंबर से आपको फॉर्म जो है ऑफलाइन अवेलेबल स्कूलों में या फिर खंड शिक्षा अधिकारी या फिर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के यहाँ से ले सकते हैं। आप इतना दूर मत जाइए, आप इन फॉर्मों को किसी भी साइबर कैफे से या इंटरनेट से बहुत ही इजी गोइंग डाउनलोड कर लीजिए और उन्हें भर लीजिए। भर ठीक, अब ये तो हो गई बात, अब बात रहेगी कि इनकी अंतिम तारीख क्या है। तो फॉर्म जो भरेंगे उनकी जो जमा करने की अंतिम तारीख रहेगी वो रहेगी 16 फरवरी 2022। अब बात आती है कि ये जो 16 फरवरी को इतना अधिक टाइम क्यों दिया गया है, वो अब की काफ़ी बदलाव किया गया है। चूंकि आपसे अब की बार राजस्व विभाग द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र लेंगे, जिसमें माता और पिता दोनों की आय लिखनी होगी, जिसका कि ये फॉर्मेट यहाँ पर दे दिए हैं, उसी के अनुसार आपको बना के लगाना रहेगा। दूसरा जो प्रमाण पत्र आपको फॉर्म के साथ लगाना है वो है राजस्व विभाग द्वारा निर्गत आपका जो है ग्रामीण क्षेत्र का स्थायी निवास प्रमाण पत्र भी गार्जियन का इसमें लगेगा। जो तीसरा है वो है शिक्षा विभाग द्वारा निर्गत आपकी आयु संबंधी प्रमाण पत्र, यानी स्कूल में जो जन्मतिथि लगी है उसका प्रमाण पत्र स्वतः ही जब प्रिंसिपल अपने भर के मोहर लगाएगा तो वहाँ से आपका ये भी प्रमाण पत्र मिल जाएगा। अगला आता है आवेदक विद्यार्थियों को फोटो युक्त राज्य की पहचान पत्र या आधार कार्ड। यहाँ पर एक छूट आपको मिल गई है कि अगर आपके पास अब आधार कार्ड नहीं है तब भी आप अपने बच्चे का फॉर्म भर सकते हैं। वो आपको किसी एक गजटेड ऑफिसर से फ़ोटो लगा करके बच्चे की तहकीकात करके कि बच्चा फला फला है और इसके माता पिता का नाम ये है, तो अगर ये जारी कर देता तब भी फॉर्म यहाँ पर भर सकते हैं। अब बात करूँगा यहाँ पर जो इनकी परीक्षा की तिथि है वो पहले ही मुकर्रर कर दिया गया है, 10 अप्रैल 2022 को जो है ये प्रारंभिक परीक्षा होगी। ठीक है, तो अब आपको आज से फॉर्म अपने डाउनलोड करने हैं। उसके बाद जो आपको ये हमने चार कागजात बताए जिसमें से दो कागजात बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, पहले दो राजस्व विभाग द्वारा आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, इनको पहले जिनके नहीं बने हैं वो लोग अपने बनवा लें, लेकिन याद रखें इसमें माता और पिता दोनों का ही बनाना है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि आपको फॉर्म जो है इनमें सभी के फॉर्म कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 6 के लड़कों के फॉर्म, कक्षा 6 की लड़कियों के फॉर्म, कक्षा 7 के लड़कों के फॉर्म, कक्षा 7 लड़कियों के फॉर्म अलग अलग पड़े हैं और उसी में उनके एडमिट कार्ड भी पड़े हैं जिन्हें गार्जियन को ही भरना रहेगा, भर कर के उनको जमा करेगा। अब ये भरे हुए फॉर्म आपको जमा कहाँ करने हैं, फिर वही मैं आपको बता दूं, जो भी आपका ब्लॉक होगा वहाँ पर ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, जिसे हम लोग BEO या फिर खंड शिक्षा अधिकारी कहते हैं, वहाँ पर आप भर के दे सकते हैं, या फिर आप अपने अध्यापकों को भी ये भरा हुआ फॉर्म दे सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्म आपके अध्यापक ही भरेंगे। सबसे बड़ा जो बदलाव किया है अब की बार वो किया गया है कोर्स को लेकर के, तो इसमें अब की बार इंग्लिश जो भाषा कभी कभी पूछी जाती थी, अब की बार हिंदी भाषी जो लोग हैं उनके लिए बहुत प्रसन्नता की बात है, केवल और केवल हिंदी
के ही ग्रामर और जो आपका एक अनुच्छेद रहता है, जो एक अपठित गद्य रहता है, उससे प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपका गणित। अब की गणित भी रखे गए, यानी हिंदी और गणित के कोर्स आपको वही मिलेंगे। अब जो सबसे बड़ा अब की बार इन्होंने बदलाव किया है वो है अभिरुचि यानी एप्टीट्यूड टेस्ट। ये एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है इसको आप देख करके चौंकना नहीं है। एप्टीट्यूड टेस्ट एक प्रकार की रीजनिंग पावर होती है जो बच्चे की तर्क शक्ति की जांच करती है, यानी जो बच्चा है वो उसकी पढ़ाई से संबंधित वो प्रश्न तो नहीं होते, लेकिन उसमें एक क्विक डिसीजन लेने की जो क्षमता होती है वो आंकी जाती। उसके आकलन के लिए अगर आपने कई फॉर्म, जैसे अगर आपने जवाहर नवोदय का भरा है तो उसमें आपने रीजनिंग देखी होगी, उसमें भी जो रीजनिंग आती है ठीक उसी प्रकार से इसकी भी अब की बार रीजनिंग रहने वाली है। लेकिन इसमें जो इन्होंने एप्टीट्यूड टेस्ट रखा, इसमें हो सकता है जो आप ये मत समझिए कि जीएस के जो क्वेश्चन पढ़े हुए थे या जीएस जो पढ़ रहे थे वो उनसे छुटकारा मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको यहाँ से जीएस के भी कुछ प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे, इसलिए आप अपने जीएस के प्रश्नों को भी देखते रहेंगे। अब हम एप्टीट्यूड टेस्ट कैसे देंगे, किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, क्योंकि अभी तक इस प्रकार के कोई भी प्रश्न इस परीक्षा में पूछे नहीं जाते थे, इसलिए थोड़ा सा ये कोर्स लंबा हो सकता है, थोड़े से ये चीज़ें अलग आएंगी। इसके लिए आपको एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी आप कैसे करें, एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी करने के लिए सबसे अधिक प्रैक्टिस सेट की ज़रूरत होती है। आप जितने अधिक प्रैक्टिस सेट करेंगे उतनी ही अधिक आपकी रीजनिंग पावर बढ़ेगी, और रीजनिंग पावर जितनी आप अपनी अच्छी करेंगे उतने अच्छे आप अपने गणित के पेपर को दे सकते हैं। अब आप बार बार ये फ़ोन न करें कि साहब डेट कब आएगी, अब आपको केवल और केवल ऑफलाइन ही फॉर्म मिलेंगे, ऑफलाइन ही भरने होंगे और आपको जमा करने होंगे। अब आपको एक बुकलेट मिलेगी जिसमें 100 प्रश्न होंगे और सभी प्रश्नों के उत्तर आपको OMR यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे और OMR शीट पर लिखना होगा। इन सब की जानकारी आपको इन फॉर्मों में दी गई है, पूरा फॉर्मेट बदल दिया गया है विद्या ज्ञान की। जब भी आप वेबसाइट खोलेंगे और उस वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो आपको ये ढेर सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मुझे लगता है कि अब आप लोगों को संपूर्ण जानकारी हो गई होगी और समय समय पर हम आपको गाइड करते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। आप अपनी तैयारी करते रहें हमारे चैनल के साथ।